आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह, जयपुर जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर, खेड़ा विधानसभा के वर्धमान काला एवं रोहित सेन मंच पर उपस्थित रहे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जितेंद्र डांगरा, महिला अध्यक्ष सपना सबनानी, प्रतिपक्ष नेता अनिल गट्टानी एवं पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के 4 साल 6 महीना शासनकाल पर उंगली उठाते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के डॉक्टर निर्मल सिंह ने सरकार को उखाड़ के फेंकने की जनता को बताया और फुलेरा विधानसभा के निर्मल कुमावत को भारी मतों से जीतने के लिए अपील की। मैं अभी मौजूद हूँ सांबर लेक में। आज यहाँ जम्मू कश्मीर से आए हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उपस्थित हुए और जनता और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बहुत उत्सवपूर्वक ये प्रोग्राम अटेंड किया, बैठक अटेंड किया। और इसमें मैं कैमरामैन को बोलूँगा, ये डॉक्टर निर्मल सिंह का भाषण देखिए, आप डॉक्टर निर्मल सिंह का वो दिखाइए। इन्होंने अपने हर जगह में ऐसी ताकि दोबारा राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचारी को बंद करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और अत्याचार से इन्होंने मुक्त करे, ये इनकी सपना है। माता वैष्णवी देवी के सामने इन्होंने प्रचार प्रसार चालू किया और मैं ये बोलूँगा कि और भी यहाँ पे कैंडिडेट को दिखाया जाए, जो इन्होंने पंचायत समिति के जो सदस्य है सुरेश चौहान भी मौजूद है यहाँ पे, और बाकी हमारा यहाँ पे सरपंच साहब, आज के प्रोग्राम के लिए कुछ बताइए। डॉक्टर निर्मल सिंह आपकी यहाँ पे, आप कितनी खुश है? बिल्कुल खुश है, सब खुश है, हम बहुत खुश है, बहुत खुश है। हाँ। आप कौन सी गांव से है? हम आए कालिया गांव सीतारामपुरा ग्राम पंचायत से। देखिए कितनी खुश हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अतिथि भव ये हमारा पहला ये है, अतिथि आए हमारा सांबर में, यही हम लोग का बहुत गर्व की महसूस होता है। धन्यवाद। डब्लू गोस्वामी, ब्यूरो चीफ राजस्थान। 5 साल जो गहलोत सरकार रही है सभी के सामने है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बहु बेटियों की इज्जत जो है वो बिल्कुल खतरे में है। जिस प्रकार से अंडर डेवलपमेंट है, केंद्र की स्कीम जो लागू होनी चाहिए वो नहीं लागू हुई है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी और केंद्र सरकार जिस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, कांग्रेस की जहां जहां भी सरकारें हैं उसमें राजस्थान की भी सरकार है उसके उल्ट जो है करना चाहती है। हमने देखा दूदू में जिस प्रकार के कैंडिडेट कांग्रेस ने दिए हैं, जो जेल काट के आए हैं, हमारी माता बहनों की इज्जत को ताक में रखते हुए उनको जो है जेल में रहना पड़ा, इस प्रकार की जो है उन पर एलिगेशंस है।